अपने YouTube चैनल बिल्ली शिक्षा वैनिता चंद्रमी। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम 1.5। इससे पहले हम बाकी के एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम देखते हैं, लिखा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर रैशनल और इरेशनल। मतलब हमें इसमें बताना है कौन से नंबर हमारे परी में है और कौन से अपरी में है। तो याद रखना जिन नंबरों में हम रूट होता है ना, जैसे मैंने बात करा रूट 4, रूट 2, रूट 3 और रूट 25, तो इनमें से हम क्या है 4 को हम लिख सकते हैं 2, रूट को रूडी लिखेंगे, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इसको हम क्या लिखते हैं 5। तो जिनका रूट हम खत्म कर सकते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल नंबर, जिनका रूट हम नहीं खत्म कर सकते वो क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। अगर हमको पॉइंट में भी सॉल्व करें तो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो पहला क्वेश्चन लिखा है 2 - √5, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं नहीं, तो ये हमारा कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है 3 + √3, अब ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, अब देखो यहां से कट गया, हमारा आंसर आ गया सिर्फ 3, तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, रैशनल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 √7 और 7 √7, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/7, रूट की वैल्यू खत्म होगी, तो कैसा नंबर हो गया ये हमारा, रैशनल नंबर। उसके बाद 1/2, अब 1 √2 है, अगर हम इसका रैशनलाइज भी करते हैं है ना, तो क्या 2 × 2 और यहां से रूट कट गया 2, लेकिन रूट तो ऊपर फिर भी रह गया, तो ये क्या हमारा इरेशनल नंबर। अब हम करेंगे रैशनलाइज क्या होता है ना, तो ये कैसा नंबर हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। उसके बाद 2π, पाई हमारा नॉट डिफाइन है, इसलिए ये भी क्या हमारा, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो याद रखना जिन क्वेश्चनों में हम रूट की वैल्यू हटा सकते हैं वो हमारे रैशनल नंबर, जिनको नहीं हटा सकते वो क्या हमारे, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो उनको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं एक चीज देख लेते हैं, अगर हमारे पास एक्स इंटू 3 होता है तो हम क्या लिखते हैं, 3x लिखते हैं, है ना, और एक्स इंटू एक्स होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स का स्क्वायर लिखते हैं। तो रूट के साथ भी यही करना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन है √3 √3, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम, स्क्वायर, और स्क्वायर से कट जाता है हमारा आंसर आ जाएगा, और अगर है हमारे पास √3 × 3, जैसे ये क्वेश्चन था तो रूट इसके पीछे चला गया, सेम इसको ऐसे करेंगे 3 अलग आ जाएगा, ये इसके पीछे चला, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। तो पहला क्वेश्चन देखो लिखा है 3 + √3 × 2 + √3, और कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है अभी हमारा, अगर हमें जहां फॉर्मूला बनेगा फॉर्मूला भी लगाएंगे। करना क्या है, लिखेंगे 3 2 + √2, कितना ठीक है, उसके बाद है प्लस √3 और यहां से 2 + √2, ठीक है। इतना करना क्या है, एक ब्रैकेट को पहले पहला नंबर, फिर दूसरी ब्रैकेट को सेम, फिर उसका दूसरा नंबर, फिर दूसरी ब्रैकेट को सेम, अब मल्टीप्लाई कर ले, 3 को इससे करेंगे, 3 × 2 = 6, 3 को फिर इससे करेंगे, देखो हमने क्या लिखा था, तो लिखेंगे 3 √2, ठीक है। इसको यहां से करेंगे सेम 2 √3, अब रूट की वैल्यू को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में सॉल्व हो जाएगी 3 × 2 = 6, कोई वैल्यू सेम आ रही है जिसको हम प्लस कर सकते नहीं, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे 3 + √3 3 - √3, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, a + b और a - b, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² है ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3² - √3² होल स्क्वायर, ठीक है। तो 3 × 3 = 9 और रूट से रूट कैंसिल 3, तो आंसर आ जाएगा इसका 6, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a² + b² और 2ab, ये फॉर्मूला होता है, तो हम इसका फॉर्मूला लगा लें तो क्या हो जाएगा, इसको भी है ना, √3 + √5 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या खुलेगा यहाँ से, a² + b² +2, अब देखो 2 हमारा फॉर्मूले का है, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो मैं लिखेंगे √5 और b की वैल्यू क्या है, √2, ठीक है। अब देखो यहां से रूट से रूट कट जाएगा हमारे पास, क्या गया 5, फिर कट जाएगा 2, अब इसको देखते हैं 2 5 2 = 10, तो √10, क्लियर है इतना।
सेवन, फाइव और टू कितना हो गया मेरे पास सेवन और रूट टेन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब देखो फिर दोबारा से हमारे पास क्वेश्चन है ए सॉरी फाइव माइनस रूट टू फाइव प्लस रूट टू। फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास दोबारा से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसको लेके सॉल्व कर दू, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ से रूट कर दिया फाइव और यहाँ से रूट से रूट, तो आंसर आ गया थ्री। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का मतलब परिमेयकरण करना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, रैशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हमारे नीचे रूट में है उसको खत्म करना है ना, रूट की वैल्यू को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज। अब सिंपल सा है, इसमें हमारे पास फॉर्मूला याद रख लेने, हमारे पास ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला यूज होना है, और बाकी अगर हो सकते हैं तो हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले भी आते हैं, लेकिन अभी जस्ट आपको इन चार क्वेश्चन में लिए, जो हम एक्स्ट्रा सैंपल पेपर करेंगे तब वहां पे ये भी यूज होंगे, हम तब करेंगे, ठीक है। अब रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, जिसे मैंने लिखा वन अपॉन रूट टू, ठीक है। हमें रैशनलाइज खत्म करना है तो हम सेम वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे और सेम वैल्यू को नीचे, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे टू वन जा टू, और यहां से हम क्या करेंगे, हम हमारे पास आ जाएगा रूट टू का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा रूट टू, यहाँ से कट गया, तो ये हमारा नीचे रूट खत्म हो गया। मतलब अपॉन में हमारा रूट नहीं होना चाहिए, इसी को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, लिखा वन अपॉन रूट सेवन, बिल्कुल उसी तरह करना है। क्या करना है वन अपॉन रूट सेवन, और क्या करना है रूट सेवन ऊपर और रूट सेवन नीचे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे रूट सेवन और स्केयर से स्केयर कर देगा, खत्म हो गया। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइज। नेक्स्ट आप बोलेंगे इसमें दो आगे है ना, तो ये और सिंपल है हमारे पास, ये क्या देगा रूट सेवन माइनस रूट सिक्स। अब मल्टीप्लाई करना है और सेम वैल्यू ऊपर लिख ली। अब मैंने बीच में जगह खाली छोड़ दी, किस लिए, क्योंकि ये माइनस का निशान है, तो यहां हमारा प्लस का निशान होगा, और अगर प्लस का हो तो माइनस का। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एक से, सेम वैल्यू रहेगी हमारे पास, और नीचे हमेशा हमारा ये फॉर्मूला बनेगा हमेशा, ठीक है। ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो फॉर्मूला क्या देगा ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां देखते हैं रूट सेवन प्लस रूट सिक्स, और रूट से कट गया सेवन, यहां से कट गया सिक्स, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा रूट सेवन प्लस रूट सिक्स अपॉन में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है रैशनलाइज। सेम सेम क्वेश्चन करें, इसको यहीं पे कर लेते हैं, सेम वैल्यू लिखते हैं रूट फाइव, प्लस का निशान है, यहाँ पर क्या आएगा रूट टू रूट फाइव माइनस रूट, ठीक है। इतना वही सेम ऊपर का सेम मल्टीप्लाई कर देंगे रूट फाइव माइनस रूट, ठीक है। इतना नीचे फॉर्मूला वही लगेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर, रूट फाइव का होल स्केयर और रूट टू का होल स्केयर, ठीक है। इतना सेम वैल्यू रूट फाइव माइनस रूट, ठीक है। उसके बाद आपका यहां से कट जाएगा, हमारे पास आएगा फाइव, यहां से कट गया टू, तो आंसर आएगा रूट फाइव माइनस रूट टू, फाइव में टू गए, ठीक है। मतलब हमें नीचे का जो रूट है वो खत्म कर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन माइनस टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट सेवन प्लस टू, रूट सेवन प्लस टू, सेम मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर की वैल्यू सेम और नीचे फॉर्मूला क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, फॉर्मूला हमेशा वही लगेगा, ठीक है। तो रूट सेवन का स्क्वायर और टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से करेंगे हम रूट सेवन प्लस रूट टू, यहां से कैंसिल हो गया सेवन और यहां से, ठीक है। आगे करेंगे नेक्स्ट रूट सेवन प्लस टू और सेवन फोर गए। तो ये था हमारा रैशनलाइज, और इसी के साथ ही हमारे एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।